नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। नांगल चौधरी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव राज्य मंत्री बनाने पर महेंद्रगढ़ जिले में खुशी का माहौल। समर्थकों ने ढोल नगाड़े बाजा मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। हरियाणा सरकार द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार में महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी विधायक डॉ अभय सिंह यादव को राज्य मंत्री बनने पर पूरे जिले में खुशी की लहर। विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव राज्य मंत्री बनाने पर विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं व्यापारियों द्वारा ढोल बजाकर एक दूसरे को गुलाल लगा मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। सरकार द्वारा राज्य मंत्री बनने पर नांगल चौधरी में समर्थकों को द्वारा पटाखे फोड़ ढोल बजाकर मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। नांगल चौधरी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव राज्य मंत्री बनाने की सूचना के बाद कनीना कस्बे में पितामह कान्हा सिंह चौक पर कस्बे की दुकानदारों ने एकत्रित होकर और ढोल बजाकर एक दूसरे को गुलाल लगा मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को बहुत पहले ही उन्हें मंत्री बना देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इनका मंत्री बनना इनका कार्य का ही इनाम है। जिले के हर आदमी की इच्छा थी, जो विधायक रहते पूरे जिले के कार्य करता है, अब मंत्री बनने के बाद तो प्रदेश की सेवा करने में पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने हर समाज के लिए तत्पर रहते हुए विकास कार्य करवाए हैं। ईस्ट इलाके की शान बान डॉक्टर अभय सिंह यादव को मंत्री बनाकर हरियाणा सरकार ने इस क्षेत्र पर बड़ी कृपा की है। एक काबिल आदमी को मंत्री बनाया है, जो कि इलाके की शान है और इलाके के लिए हरदम तत्पर रहता काम करने के लिए। और मैं हरियाणा सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे तीन मंत्री अग्रवाल समाज में बनाए, कमल गुप्ता, असीम गोयल और ज्ञानचंद गुप्ता, जो विधानसभा के अध्यक्ष है। इसलिए हरियाणा सरकार ने बिल्कुल ही मतलब सदी हुई कैबिनेट बनाई है। और अभय सिंह तो हमारे यहाँ के नेता है, बहुत बड़े एक विधायक रहते हुए भी उन्होंने कहीं ना कहीं लिए इतना काम किया है, सेक्रेटरीट के लिए और भी लिए, दुकानदारों के लिए हरदम तत्पर रहे, खड़े रहे यहाँ पर। हमें बहुत बड़ी खुशी है जी, आज इनको मंत्री बनाया गया है। ये बहुत ही बढ़िया इलाके के काम करवाने वाले आदमी है और बहुत ही तत्पर रहते हैं हर आदमी के लिए। तो अब क्षेत्र में जो है विकास की जो है ज्यादा काम हो पाएगा? अब ज्यादा हो पाएगा जी, पहले से अब ज्यादा हो जाएगा। आज बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक आईएएस पूर्व आईएएस अधिकारी को पूर्व आईएएस अधिकारी को दिया है, तो इलाके के लिए डॉक्टर अभय सिंह पहले ही खूब काम कर रहे थे, लेकिन अब मंत्री रहते हुए सरकार में जनता के लिए खूब काम करेंगे। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है, बढ़िया सा डिपार्टमेंट दिया जाए, पब्लिक का काम हो सके। जिस प्रकार से मंत्री बनाए गए हैं तो लोगों को उम्मीदें बहुत पहले से थी, अब उन्हें मंत्री बनाया गया है, तो अब क्या किस तरह के जो है आपको लगता है कि विकास कार्य हो पाएंगे? लोगों की जन भावनाएं को देखते हुए लोग बहुत ज्यादा चाहते थे कि अभय सिंह जी मंत्री बने, तो सरकार ने जन भावना को देखते हुए डॉक्टर अभय सिंह को मंत्री पद दिया गया है। और हमारा कहना में इस चीज को लेकर बहुत आज खुशी का माहौल है, एक पढ़े लिखे काबिल आदमी को मंत्रिमंडल में लिया गया है। तो हम उम्मीद यही करते हैं डॉक्टर साहब अपने मंत्रालय को अच्छी तरह चलाएंगे और पब्लिक से होकर। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज जो है मंत्रिमंडल विस्तार किया गया? अभय सिंह यादव को मंत्री बनाने में जिला महेंद्रगढ़ में खुशी की लहर है और बड़े हिसाब सभी के नेता हैं, काम के संघर्षशील। ये 2014 के अंदर ही मंत्री बनने थे, कुछ राजनीतियों के कारण अड़चन आने की वजह से उनका नाम कई बार कट गया। हमें बड़ी खुशी है पूरे पूरे जिले को, पूरे महेंद्रगढ़ जिले को, नांगल चौधरी को, सब पूरे जिले को बड़ी वो खुशी की लहर है। आने वाले समय भी काम करवाएंगे, अब भी बहुत काम करवाया है। हम भाजपा के बड़े आभारी हैं, नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह के, नायब सैनी जी के बड़े आभारी हैं, इन्होंने हमारे जो मंत्री जी बनाए हैं। और हम चाहते हैं आज और भी दुगुना काम होगा, अच्छा काम होगा, हम बड़े बड़े आभारी हैं। क्योंकि डॉक्टर अभय सिंह को मंत्री पद तो आज मिला है, लेकिन वो तो बगैर मंत्री इतना काम कर रहे थे कि हमारी दुकानों के लिए उन्होंने अभी पीछे आए थे, मनोज रोहिला की दुकान में बैठकर उन्होंने जो दुकानदारों के लिए जो देर से बात की, जो भी प्रशासन अधिकारी थे, उन्होंने कहा मेरे को नहीं पता, आप कैसे भी करो ये हमारे नाले को बचाओ। तो वो तो बगैर मंत्री इतना काम कर रहे थे, अब तो उनके हाथ में पावर आई है। मैं उम्मीद करता हूँ उनसे कि हमारे सब दुकानदार भाई जो अभी एकत्रित हुए हैं,
खुशी मना रहे हैं उनकी आशाओं को जरूर पूरी करेंगे और आगे भविष्य में भी हमारी मांगों को वो मानेंगे, क्योंकि हमारे वो दिल से जुड़े हुए नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि वो हम सब की आशाओं को पूरा करेंगे और हम भी आगे उनके भविष्य में उनके साथ रहेंगे, वो जो भी आदेश देंगे उनको पूरा करेंगे।